नमस्कार, स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ है राउंडअप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और छत्तीसगढ़ में आज जो वोटिंग हुई है 7 सीटों पर, उसकी सबसे पहले करेंगे बात। 7 सीटों पर वोटिंग हुई है और अभी तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए, हालांकि देर रात तक ये बढ़ने वाले हैं ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि आंकड़े दूर सुदूर क्षेत्र जो होते हैं वहां से आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अभी तक 66.99% यानी कि 67% के आसपास मतदान जो है हो चुका है। अब एक एक सीट की अगर बात कर ली जाए तो कहां कितना मतदान हुआ है ये आप जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलासपुर सीट की, काफी अहम सीट है बिलासपुर, जो है वैसे भी न्यायधानी कही जाती है, वहां पर 60% मतदान हुआ है, 60.05% मतदान दर्ज किया गया है। दुर्ग की बात कर लेते हैं, वीआईपी सीट है ये और दुर्ग बीजेपी का दुर्ग कहा जाता है, यहां पर 67.33% वोटिंग हुई है। जांजगीर चांपा की बात कर लेते हैं, जांजगीर चांपा में 62.44% वोटिंग हुई है, जबकि कोरबा की अगर बात कर ली जाए तो ये भी हॉट सीट में शुमार थी कोरबा, जहां से ज्योत्सना महंत कांग्रेस की तरफ से सांसद भी रह चुकी हैं पिछली बार की, और इस बार उन्होंने एक बार फिर से मैदान में ताल ठोकी है और उनका मुकाबला सरोज पांडे से है और यहां पर 70.60% मतदान हुआ है। रायगढ़ की बात कर लेते हैं, रायगढ़ में 76.34% वोटिंग हुई है, ये एक अच्छी खबर यहां से भी निकलकर सामने आई, अच्छा वोटिंग प्रतिशत यहां से सामने आया। और रायपुर की भी अगर बात करें, राजधानी है और राजधानी में 61.25% मतदान हुआ है, शहरी क्षेत्र जो है वहां पर भी वोटिंग जो है वो ठीक कही जा सकती है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग नजर आती है। रायगढ़ की हम बात कर रहे हैं, बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर 76% वोटिंग हुई है और तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा भी रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं चुनावी मैदान में जो उतरे थे प्रत्याशी कांग्रेस के बीजेपी के, वो सब वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, मुस्कुराते हुए नजर आए, परिवार के साथ कोई पहुंचा था वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो कोई जो है नेताओं के साथ नजर आया। और देख सकते हैं बृजमोहन अग्रवाल विकास उपाध्याय दोनों आमने सामने हैं, रायपुर से दोनों की बात कर लें तो दोनों आमने सामने हैं और दोनों वोट डालने के लिए पहुंचे थे, विकास उपाध्याय भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे और हाथ जोड़कर एक प्रकार से चुपचाप रहकर साइलेंटली जो है आशीर्वाद मांग रहे थे। देवेंद्र यादव बिलासपुर से उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी यहां पर अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। शशि सिंह, कमल जांगले, राजेंद्र साहू बीजेपी के प्रत्याशी, दुर्ग से विजय बघेल, तमाम लोग जो हैं वोट डालने पहुंचे थे। ताम्रध्वज साहू भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, बता दें आपको महासमुंद से हालांकि चुनाव लड़े हैं लेकिन आज उनका चूंकि दुर्ग में दुर्ग के वो वोटर हैं तो वोट डालने के लिए वो पहुंचे हुए थे। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की अब सभी सीटों पर मतदान खत्म हो गया, यानी चुनावी शोर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब छत्तीसगढ़ में इंतजार किया जाएगा 4 तारीख का, 4 जून का, जब नतीजे आएंगे, क्योंकि मतदाताओं ने अपना मत जो है जो उनको लग रहा था जिस प्रत्याशी को था उन्होंने वोट डाल दिया है, नतीजे जो है वो 4 तारीख को पता चलेंगे। आज तीसरा और लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग हुई और इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण में भी मतदाताओं में उत्साह नजर आया, उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। निश्चित रूप से सवेरे से जो मतदान का क्रम चला है बहुत उत्साहजनक मतदान हुआ है और 7वें चरण में पहले और दूसरे चरण की तरह ही मतदाताओं में भारी उत्साह था और निश्चित रूप से ये उत्साह नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए ये मतदान था और जो जनता का उत्साह दिख रहा था वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला था। तो ये तो दावे हैं और दावे की हकीकत 4 तारीख को पता चलेगी। बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में मतदान था, बीजेपी ने अपना सर्वे भी किया होगा, जाहिर तौर पर जमीन पर रहकर काम भी किया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है कांग्रेस भी अपनी दावेदारी जताने लगी है। तीसरे चरण के मतदान के संपन्न होने के साथ ही छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर चुनाव खत्म हुआ, 4 जून का इंतजार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतदान के बाद यह साफ हो गया कि बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। पूरे देश में बीजेपी 150 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी लेकिन छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी, यानी कि सभी सीटों का दावा वो नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इस तरह से छत्तीसगढ़ में
पहला चरण, दूसरा चरण के बाद तीसरा चरण पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और इससे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इस समय देश में नई सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठ की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। बिलासपुर की बात करेंगे। बिजली नहीं होने की वजह से मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मतदान कर्मी काम करने के लिए मजबूर रहे। सुबह से ही बिजली नहीं थी, मौसम खराब होने की वजह से बिजली आ नहीं पाई और मतदान प्रतिशत में भी इसकी वजह से कमी देखी गई। एक असर ये भी रहा मौसम का। बढ़ते आगे कोरबा की बात करेंगे। यहां पर भी आंधी के साथ बारिश हुई और कटघोरा विधानसभा के छुरी कला के संगवारी मतदान केंद्र में ही बिजली गुल हो गई और इसी की वजह से यहां पर भी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मतदान संपन्न कराया गया। बीएलओ मोबाइल की रोशनी में लोगों के नाम लिस्ट में खोजकर पर्ची दे रहे थे। देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिजली नहीं होने से यहां पर धीमा मतदान हुआ। और अहम खबर की कर लेते हैं बात। राधिका खेड़ा, पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ने वाली कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद राधिका खेड़ा ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए। कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार की वजह से मैं छत्तीसगढ़ में सुरक्षित रह पाए। राधिका खेड़ा के साथ बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन ने भी बीजेपी का दामन आज थाम लिया। आज मैं अगर आपके समक्ष यहां बैठी हूं तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है जिसके संरक्षण में मैं आज यहां पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद राधिका खेड़ा दिल्ली में जेपी नड्डा से भी मिली और शेखर सुमन भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे। देखिए पार्टी में प्रवेश भी कर लिया, कांग्रेस छोड़ दी और अब बीजेपी की हो गई राधिका खेड़ा। दूसरी तरफ अभिनंदन स्वागत हो गया, शेखर सुमन भी साथ में आ गए हैं अब तो बीजेपी के, वो भी कांग्रेस में रह चुके हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राधिका खेड़ा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे उच्च पद पर बैठी महिला के साथ जैसा व्यवहार किया गया वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। के साथ वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे उच्च पद में बैठे हुई महिला के साथ जिस प्रकार उनके शब्दों में जो व्यवहार किया गया, जिस प्रकार उनको अपमानित किया गया, जिस प्रकार उनको प्रताड़ित किया गया, तो ये कांग्रेस का कल्चर बताता है कि क्या संस्कृति कांग्रेस के अंदर पनप रही है। और इधर राधिका खेड़ा के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी बयान दिया और राधिका खेड़ा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि डील तो हुई है, कितने की डील हुई है ये राधिका खेड़ा को बताना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को विलुप्त प्रजाति कहने के सीएम साय के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। तक जो ड्रामा चला है 1-2 तारीख से वो पूरा स्क्रिप्टेड था। वो कहानी लिखी गई थी, उसके हिसाब से वो रोल प्ले कर रही थी। मामला कुछ भी नहीं था, कांग्रेस को बदनाम करना था। अंततः वो भाजपा में चली गई। अब सवाल ये उठता है कि उसके साथ डील क्या हुआ है, इसको तो या तो राधिका खेड़ा बता सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी वाले। डील तो हुआ है तभी ये सब इतना ड्रामा किया गया है।
तो डील तो हुई है, इतना ड्रामा किया गया, कह रहे हैं भूपेश बघेल। इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भूपेश बघेल को रायबरेली का ऑब्जर्वर बनाए जाने को लेकर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल जो बेहतर काम किया उसकी वजह से कांग्रेस का यह हाल हो गया। इसके लिए भूपेश बघेल पूरी तरह से जवाबदार हैं। कांग्रेस के पास जवाबदारी के लिए कोई नेता नहीं और इसलिए पार्टी को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। आज 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। लोग घर से निकल रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, तो मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से आग्रह करूंगा कि ये तीसरे चरण के मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। फर्स्ट टाइम वोटर जो यूथ हैं उनसे भी आग्रह है कि जीवन में पहली बार आप मतदान के लिए जा रहे हैं तो आप संविधान में प्रदत्त अधिकार का पूरा उपयोग करें और देश के इस लोकसभा के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं। 11 सीटों का लक्ष्य लेकर भाजपा चल रही है, क्या आपके आपका क्या विश्लेषण, क्या उम्मीद है? जिस प्रकार 4 लोकसभा के चुनाव में मतदान हुआ और अब 7 की तैयारी है और जैसे कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है, नीचे स्तर के बूथ स्तर के लोगों से बातचीत का नतीजा है और एक एक विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ नीचे स्तर के लोकसभा और विधानसभा के टीम के साथ बैठकर जो चर्चाएं हो रही है तो ये स्पष्ट हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं उसका ऑब्जर्वर बनाया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? अब ऑब्जर्वर की जवाबदारी दी गई है, छत्तीसगढ़ में 5 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर काम किया जो आज कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है उसके लिए यदि किसी को जवाबदार कहा जा सकता है तो भूपेश जी है। उसके बाद भी कांग्रेस में आज स्थिति ये है कि जवाबदारी देने के लायक लोग नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे और बीजेपी के नारे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि 11 सीटें छत्तीसगढ़ में और 400 सीटें देश भर में जो नारा है वो यथार्थ में परिवर्तित होगा। कैमरामैन नवीन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और कुछ और खबरों की बात करते हैं। बिलासपुर में नहर के किनारे शव मिला है और हत्या की आशंका जताई गई है। मामले की जांच पुलिस करने में जुटी हुई है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर नहर के किनारे एक शव बरामद किया गया है। हत्या की आशंका जताई गई है, जांच करने में पुलिस लगी। और अगली खबर भी बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। खेत की रखवाली करने गए किसान की हत्या कर दी गई, कुल्हाड़ी से वार करके जान ले ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटा भी है। इधर प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बदल गया। बिलासपुर में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई है और लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, हालांकि उमस अब लोगों को परेशान भी करेगी। मुंगेली में भी मौसम का मिजाज बदल गया तो कवर्धा में भी झमाझम बारिश दर्ज की गई। कोरबा और दुर्ग में भी बारिश हुई है। अंबिकापुर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की जान भी चली गई। अलग अलग 6 तस्वीरें आपको हम जिलों की दिखा रहे हैं। कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग और अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द कुछ और खबरें आपको बताएंगे।